नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। जहां उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि प्रदेश में सड़क सुरक्षा व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से बढ़िया की जाए, और इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली की दाम में वृद्धि कर दी, जिसको लेकर पीएम के संसदीय क्षेत्र में बिजली दर को लेकर महिला सड़क पर उतर चुकी हैं। महिला लालटेन के साथ ही सड़क पर उतर चुकी हैं, और यूपी में बढ़े बिजली दर को लेकर आज वाराणसी में महिलाओं ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। शहर के क्लाइस इलाके में महिलाओं संघ इलाके के लोगों ने योगी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए और लालटेन और ढेबरी के साथ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। देखिए ये रिपोर्ट। जिस तरीके से देखा जा रहा है, मोदी सरकार जो भी फैसला लेती है अचानक से ले लेती है और उसे जनता पे थोप देती है। जैसे कि कोई भी चीज़ हम ले लेते हैं, कोई भी रूल निकाल देती है, नियम, कभी पैसे बंद हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। तो आज अचानक से जब पता चला कि बिजली के मूल्य में वृद्धि हो गया है, तो इससे सबको बहुत बड़ा झटका लगा है। इस तरीके से अचानक अगर आप वृद्धि कर देंगे तो जो गरीब परिवार है, आम परिवार है, वो उस बिजली के बिल का भुगतान कैसे कर पाएंगे, तो उसी का हम विरोध कर रहे हैं आज। जी, हमने अपने समाज की औरतों को इकट्ठा किया, मोहल्ले की औरतों को, लोगों को इकट्ठा किया। हमने ये लालटेन लिया है, पुराने जमाने का ये मतलब इतिहास है कि पहले जब बिजली नहीं थी तो हम इसी का इस्तेमाल करते थे। तो हमने इसी को लेकर, दिए को लेकर, लालटेन को लेकर इस चीज़ का विरोध किया है कि सरकार जागरूक हो और इसके प्रति कुछ कदम उठाए। मैं सरकार ने अचानक बिजली का दाम बढ़ा दिया है, इसी में हम लोग ने विरोध किया है कि इस तरह से अचानक दाम बढ़ा देने से आम पब्लिक बहुत परेशान हो जा रही है। गरीब परिवार तो इसको कर ही नहीं पाएगा। अभी तक तो कोई आवाज़ नहीं पहुंची है, अब ये पहुंचेगी कि नहीं ये नहीं पता। अगर ऐसा होता रहेगा तो हम लोग हमेशा ऐसा ही करते रहेंगे, क्योंकि हम लोग आम जनता हैं।